नाज़रीन, आपको मालूम है कि दुनिया में 7 बरयाज़म हैं और 5 बड़े समंदर। इन 7 बरयाज़मों में एक बरयाज़म जिसे दुनिया एंटार्कटिका के नाम से जानती है मुकम्मल तौर पर मुंजमद है। इसी तरह 2 समंदर बैर मुंजमद शुमाली और बैर मुंजमद जनूबी भी मुकम्मल मुंजमद हैं। बरयाज़म एंटार्कटिका मुकम्मल बर्फ़ से ढका हुआ है, मगर आज हम आपको एंटार्कटिका से बाहर एक ऐसे गाँव के बारे में बताते हैं जो दुनिया में सर्द तरीन रिहायशी जगह है। नाज़रीन, ये गांव ओमिया कौन है, ये रूस का गांव है और एशिया के सर्द तरीन गाँव का दर्जा रखता है। ये मशरकी साइबेरिया का दूर दराज का गांव है। ओमिया कौन का मतलब है गैर मुंजमद पानी, ये साइबेरियन जबान का लफ्ज़ है। सर्दी की वजह से यहाँ पर ज़मीन भी ठोस बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर जाती है। यहाँ पर आपको ज़मीन नज़र नहीं आती, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ का राज है। यहाँ पर इतनी सर्दी के बावजूद भी ज़िंदगी रवां दवां है। 500 नफूस पर मुश्तमिल आबादी के बच्चों के लिए स्कूल हैं, एक बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस है, इलाके में एक सुपर स्टोर है। बच्चे -50 डिग्री सेंटीग्रेड में स्कूल जाते हैं। बच्चों को सख्त सर्दी का मुकाबला करने की तरबियत दी जाती है, ताहम जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। सख्त सर्दी की वजह से फसलें नहीं उगती। लोगों की खुराक गोश्त और मछली पर मुश्तमिल है, जो पकाने की बजाय मुंजमद हालत में खाई जाती है। रेंडियर और घोड़े का गोश्त स्पेशल तौर पर खाया जाता है। यहाँ पर 1924 में दर्जा हरारत सबसे कम रिकॉर्ड हुआ, जो कि -96 डिग्री सेंटीग्रेड रहा था। यहाँ पर सड़क पर चलते चलते आपकी पलकें तक जम जाती हैं। सर्दी में रात 21 घंटे तवील होती है। यहाँ पर सर्दी के मौसम में जहाज़ नहीं लैंड कर सकता, अगरचे एक रनवे भी मौजूद है। गाड़ियों को गर्म गैराज में बंद रखा जाता है और हर वक्त स्टार्ट रखी जाती हैं। अगर बंद हो जाएं तो दोबारा स्टार्ट करना मुमकिन नहीं होता। सबसे मुश्किल काम किसी मुर्दे के लिए कब्र खोदना होता है। पहले ज़मीन पर अलाव जलाकर गर्म किया जाता है, फिर कब्र खोदी जाती है। ये अमल बार बार दोहराया जाता है, तब जाकर कब्र तैयार होती है। दिसंबर के महीने में सुबह 10 बजे सूरज तुलू होता है। जुलाई में दिन 21 घंटे तवील होता है। 1933 में यहाँ का दर्जा हरारत -71.2 सेंटीग्रेड था, इसलिए इसे पूल ऑफ कोल्ड भी कहते हैं। जनवरी 2018 में -50 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टम्परेचर रहा। गांव के घरों को गर्म रखने के लिए कोयले से चलने वाले हीटिंग प्लांट लगाए गए हैं। गर्मियां बहुत कम दौरानिए की होती हैं, टम्परेचर 23 सेंटीग्रेड तक जाता है। ये टम्परेचर इतना होता है कि उबलता हुआ पानी बर्फ़ के बादल में तब्दील हो जाता है और एक बेलिबास इंसान एक मिनट में मौत के मुँह में चला जाता है। यहाँ सर्दी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक हालात बेकार हो जाते हैं, थर्मामीटर जम जाते हैं, पेन की स्याही जम जाती है। लोग सर्दी को कम करने के लिए रूस की चाय यानी वोडका शराब पीते हैं। यहाँ की रवायती खाने की डिश का नाम आस्ट्रोगीना है, जो कच्ची मुंजमद मछलियों के टुकड़ों पर मुश्तमिल होती है। यहाँ ज़मीन में प्लम्बिंग बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर बैतलखला घरों से दूर बनाए जाते हैं, जो एक गड़ा खोद कर बनाए जाते हैं। याकूतियन घोड़ा यहाँ सख्त सर्दी में ज़िंदा रहता है। लाइका नस्ल का कुत्ता इस मौसम में अपने आप को ढाल लेता है। यहाँ के बाशिंदे मोटी फर वाले और कई तहों वाले लिबास पहनते हैं। यहाँ पर वही लोग ज़िंदगी गुजार सकते हैं जो यहाँ पैदा होते हैं। बाहर से आकर कोई भी यहाँ पर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। नाज़रीन, ये थी दुनिया के सर्द तरीन गाँव के बारे में दिलचस्प मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।